हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं आ रही हो तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट मारो। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो रिसेंटली मुझे पता चला है कि थॉर लव एंड थंडर मूवी की स्क्रिप्ट के लिए राइटर जेनिफर कैटिन रॉबिन्सन को हायर किया है मार्वल स्टूडियोज़ ने। तब टाइका वाइटिटी और जेनिफर कैटिन रॉबिन्सन साथ में लिखेंगे थॉर लव एंड थंडर मूवी की स्क्रिप्ट को। और अब बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर मूवी के एक रूमर के बारे में। तो रिसेंटली मुझे रूमर ये मिला है कि क्रिस्टन बेल थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर एक इंटरगैलेक्टिक विलन का रोल प्ले कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक रूमर है, लेकिन हम गैस कर सकते हैं कि वो बेटा रेबिल का रोल प्ले करे, या फिर गॉड द गॉड बुचर, ट्रैको स्लेटरस, या फिर ग्लैडिएटर, डेरियो एग, कोई भी हो सकता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन हो सकता है। और बात करूँ मेरी ओपिनियन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटा रेबिल का रोल शायद प्ले कर सकते हैं। अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं इसके लिए शायद कह रहा हूँ, शायद बेटा रेबिल हो सकते हैं वो। तो देखते हैं, जल्द पता लग जाएगा हमें, जब मूवी आएगी तभी, यानी कि एक साल रुकना पड़ेगा। उसके पहले अगर पता चलता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, और कोई न्यू बंदा या बंदी हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और लेटेस्ट के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर करना ना भूलिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।